गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम सृष्टि डबाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर वन क्लास सिक्स साइंस फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम से क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। समरी है इसमें, समरी मतलब कि जो चैप्टर से जितना भी होता है उसमें मेन पार्ट वो उसमें लिखा रहता है। अब इसमें आपको रीड करा देती हूँ उसे एक बार। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत टाइप के वेरिएंट्स होते हैं फूड खाने के। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनका भोजन होता है, फूड खाए जाते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे खाने का मेन जरिया जो है वो है प्लांट्स एनिमल्स। एनिमल्स ऐसे प्लांट जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बीवोरस, जो प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। और कार्निवोरस वो होते हैं जो ओनली बस एनिमल्स को खाते हैं, वो होते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी, जो मांसाहारी होते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। प्लांट्स प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वो हो गए ओमनिवोरस, ठीक है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब हम। फर्स्ट में दे रखा है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सारे लिविंग बींग्स, सारे जीव जंतु क्या एक टाइप का खाना खाते? नहीं, एनिमल्स कुछ और खाते हैं, काव कुछ और खाती है, बफेलो कुछ और खाती है, हर एनिमल्स अलग टाइप के फूड खाते हैं। इसलिए नो, ऑल लिविंग बींग्स नीड द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप? ऑल लिविंग बींग्स नीड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ऑल लिविंग बींग्स नीड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर वन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ध्यान दें स्टूडेंट्स। नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है पांच प्लांट्स के नेम लिखो और हम उनके कौन से पार्ट हम उनको खाते हैं। जैसे कि रेडिश की हम क्या खाते हैं? रूट खाते हैं, है ना। पोटैटो की क्या खाते हैं? हम स्टेम खाते हैं, यस। और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और बाकी क्या आप खुद भी फिल करेंगे तो जल्दी होगा। मैंने आपको दो एग्जांपल्स दे दी है। रेडिश की हम रूट खाते हैं, पोटैटो की हम स्टेम खाते हैं, और कैरेट की रूट होती है, कैरेट की भी हम रूट खाते हैं, रेडिश की भी रूट खाते हैं, पोटैटो की स्टेम खाते हैं। तीन एग्जांपल्स मैंने दी हैं और बाकी आप खुद करने की कोशिश करें। थर्ड देखेंगे, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। इसमें भी मैचिंग करनी है कॉलम ए और कॉलम बी की, मैं आपको कराती हूँ। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ठीक है। मैं पहले कॉलम ए के बता देती हूँ। स्पाइनेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, लॉयंस एंड टाइगर्स, हर्बीवोरस। कॉलम बी के बता देती हूँ। ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। अब मैचिंग बताती हूँ किसमें किससे मैच होगा। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट देखिए, स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट आर वेजिटेबल्स। स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट आर वेजिटेबल्स। लॉयंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, लॉयंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स। हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स, हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ये हमारी मैचिंग खत्म होती है क्वेश्चन नंबर थ्री की। क्वेश्चन नंबर फोर पर ध्यान दें स्टूडेंट्स। हाँ, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। जो मैं वर्ड्स दे रखे हैं, थोड़े एग्जांपल्स दे रखे हैं, हर्बीवोरस, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर, इन सब को स्टेटमेंट के हिसाब से फिल करने हैं। जैसे टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। अभी मैंने आप सबको बताया था, पहले आप दिमाग सोचो सोचो, अब मैं बता देती हूँ आंसर। टाइगर, टाइगर है क्योंकि वो सिर्फ मीट को खाता है। क्या है टाइगर? टाइगर कार्निवोरस है, इसलिए वो सिर्फ एनिमल्स को खाता है, मीट को खाता है। डियर ईट्स ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड सो इज अ कॉल्ड डैश। सोचिए, इसमें मैं आंसर बताती हूँ। डियर प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाता है, इसलिए वो क्या है? हर्बीवोरस। पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, पैरेट सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स खाता है। सोचिए, प्लांट्स प्रोडक्ट्स, दी डैश
that we drink, which come from cows, buffaloes and goats, is an animal product. ये एक animal product से, ये हमारे पास कहाँ से आता है? काउ से, बफेलो से और गोट से. तो ये क्या हुआ, से हम पीते हैं, वो हो गया मिल्क. ये हमारे पास वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर मिलती है किससे मिलती है? शुगर केन से. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये एक्सरसाइज ख़त्म करा दी है. उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की नोट्स कराऊंगी. ओके, तब तक ले गुड बाय.